नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में 1700 थाने हैं, योगी जी सभी में हमारे खिलाफ FIR कर दीजिए, लेकिन सच की बात को बुलंद करता रहूंगा, अत्याचार के खिलाफ बोलता रहूंगा, वो FIR करवाते रहें। 15 अगस्त को थाना ईसानगर क्षेत्र के पकरिया गांव में 13 साल के अबोध की हत्या हो जाने पर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे आम आदमी के सांसद संजय सिंह ने बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी में जंगलराज चल रहा है, इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है, लड़की के साथ दरिंदगी की गई। उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं, पूरे प्रदेश में जिस तरह से बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, प्रदेश में पुलिस, पत्रकार, व्यापारी, बेटियां, प्रदेश में सिर्फ अपराधी, नेता, पुलिस का यह जो गठजोड़ चल रहा है, जब तक इसको नहीं तोड़ा जाएगा अपराध नहीं रुक सकता। अभी जो ईसानगर में घटना हुई है, इस पर भी पुलिस की कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है, किसी भी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई तय नहीं हुई, योगी सरकार कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। यह मानवता व इंसानियत को हिला देने वाली घटना है, यहाँ न तो कोई कानून है न ही कोई व्यवस्था। न सिर्फ पूरे प्रदेश को बल्कि पूरे देश की आत्मा को हिला दिया है। 13 साल की बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, उसके शरीर को छत विछत कर दिया गया, तो ये तो हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा है। और ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। पिपराइच में, गोरखपुर में एक बच्ची जिसके साथ छेड़खानी होती थी, तंग आकर उसने आग लगा ली, आत्मदाह कर लिया। अभी मैं मड़ियाहूं में, जौनपुर में गया था, एक दलित बच्ची, दलित परिवार की एक बच्ची छोटी सी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। पूरे प्रदेश में जिस तरह से बेटियों के साथ बलात्कार और दरिंदगी हो रही है, हत्या की, लूट की, अपहरण और हत्या की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस सुरक्षित नहीं, पत्रकार सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपराधी, नेता और पुलिस का ये जो गठजोड़ चल रहा है, जब तक इसको नहीं तोड़ा जाएगा अपराध नहीं रुक सकता। अभी जो ये मामला हुआ है, इसमें भी अभी तक कोई पुलिस की जवाबदेही तय नहीं हुई, किसी भी पुलिस वाले के ऊपर कोई कार्रवाई तय नहीं हुई, कुछ भी कार्रवाई करते हुए योगी सरकार नहीं दिखी है। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मानवता और इंसानियत को हिला देने वाली घटना है, और योगी राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी अपना कानून होता है, यहाँ तो ना कोई कानून है ना कोई व्यवस्था। मिलेंगे और इसमें हम उनकी कैसे और आगे मदद कर सकते हैं, क्या उनकी डिमांड है, पहले वो उनसे बातचीत करने के बाद तब हम लोग तय करेंगे। योगी के राज में तो FIR दर्ज करवाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, यूपी में 1700 थाने हैं, सब में FIR दर्ज कराइए, लेकिन सच की आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा, अन्याय के, अत्याचार के, जुल्म के, गुंडागर्दी के, माफियागिरी के खिलाफ बोलता रहूँगा। वो FIR करते हैं, करें। लखनऊ के ऑफिस में ताला लगवा दिया, मकान मालिक पे दबाव बनाया, हम लोग आम आदमी है, सड़क पे अपना दफ्तर चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।